सीएम अरविंद केजरीवाल पर आ रहा है संकट। क्या अरविंद केजरीवाल को लग सकती है हथकड़ी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं शिवानी आपके साथ। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दिल्ली लीकर स्नैप मामले में प्रदेश के सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाने पर मंत्री आतिशी ने आज पलटवार किया है। उन्होंने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को निशाने पर लेते हुए पूछा कि आखिर दिल्ली के सीएम को क्यों बुलाया गया, सीएम के घर पर ऐसा क्या मिला कि उन्हें सीबीआई ने बुलाया। सीबीआई आप पर एक रुपए का घोटाला अब तक साबित नहीं कर पाई, आपके खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ। आतिशी ने कहा कि इसके बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केवल इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी या पीएम नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को डराना चाहते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करना चाहते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसी आवाज है जो मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वही सीएम अरविंद केजरीवाल को ये लोग ना डरा सकते हैं और ना ही रोक पाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश की जनता आज परेशान है, आम आदमी महंगाई की मार झेलने के लिए मजबूर है, देश की जनता गरीब होती जा रही है, पीएम नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अमीर होते जा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल जी की गलती यही है कि वो इन्हीं मसलों पर सवाल उठा रहे हैं। वही पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्तों को लेकर ये खुलासा कर रहे हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को इस तरह चुप करवाना चाहते हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आप मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज ना उठा सके, लेकिन आप डरने वाली पार्टी है, हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। आतिशी ने ये भी कहा कि 16 अप्रैल यानी कल सीएम अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सवालों का जवाब देंगे, वह जो भी जांच होगी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। आप इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से हर माध्यम से लोगों के बीच उठाएंगे। इसे भी सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार यानी कल तलब किया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो सीबीआई जाएंगे। इस मामले में जांच एजेंसी आप नेता सिसोदिया को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया गया। आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की नोटिस मिलने के बाद दिल्ली की सियासत एक बार फिर शुक्रवार शाम गर्म हो गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार का काल बताते हुए नोटिस भाजपा व केंद्र सरकार की साजिश करार दिया है। आपको बता दें कि आबकारी नीति में कथित घोटाले में सीबीआई कल केजरीवाल से पूछताछ करेगी। पार्टी ने इस मसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। वहीं भाजपा ने आपके बयानों पर हताशा भरते हुए बताया आबकारी नीति के बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि वह दिन दूर नहीं जब आप सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन के साथ केजरीवाल भी एक ही बैरक में होंगे। उधर कांग्रेस का कहना है कि उनकी शिकायत के बाद मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साजिश करार दिया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल विधानसभा में अडानी की कंपनी में लाखों करोड़ रुपए का कालाधन मोदी का लगा होने का दावा किया था, उसी दिन उनके खिलाफ मोदी ने साजिश रचनी शुरू कर दी। आज सीबीआई का समन भी आ गया, मगर इस समन के भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल की लड़ाई रुकने वाली नहीं। केजरीवाल ने विधानसभा में प्रधानमंत्री के काले कारनामों को उजागर करने के लिए जो शुरुआत की वो जारी रहेगी और देश के हर घर तक पहुंचेगी। मैं मुख्यमंत्री को नोटिस मिलने के बाद संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस दिन विधानसभा में केजरीवाल ने अडानी की कंपनी का मुद्दा उठाया था उस दिन उन्होंने कहा था कि अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए सारे जतन करेंगे क्योंकि केजरीवाल ने सिलेवार तरीके से परत दर परत देश को समझाने का प्रयास किया था कि अडानी की कंपनी में लगा मोदी के भ्रष्टाचार का पैसा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल को केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजने की साजिश जो रच डाली है, इससे पहले केजरीवाल की आवाज नहीं दबने वाली। आपको बता दें कि विधानसभा से केजरीवाल की निकली आवाज देश के हर घर तक पहुंचेगी कि प्रधानमंत्री ने लाखों करोड़ रुपए का कालाधन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया और भ्रष्टाचार किया। संजय सिंह के मुताबिक न केजरीवाल
और न आम आदमी पार्टी का एक भी नेता व कार्यकर्ता झुकने और डरने वाला नहीं। वही केजरीवाल पहले भी प्रधानमंत्री से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। आम नेता व दिल्ली सरकार की मंत्री आदिति ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री और उनके दोस्तों को भ्रष्टाचार का उजागर करने के बाद भाजपा से मिलाई हुई। इसी कारण भाजपा ने एक केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए अरविंद केजरीवाल को समन भेजा। भाजपा के अगले टारगेट के बारे में उसी दिन से मालूम था जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार का एक्सपोज किया था। मगर प्रधानमंत्री व उनके खास दोस्त के भ्रष्टाचार की अब तक जांच नहीं हुई। लेकिन इस भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस आ गया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस अपने विरोधियों को खत्म करने का भाजपा का फार्मूला है। भाजपा के अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति लाकर दिल्ली के राजस्व का नुकसान किया। इसके अलावा समाज को भी प्रताड़ित किया। केजरीवाल सरकार ने युवाओं को नशे की ओर ढकेलने का काम किया है, गरीबों को बर्बादी की ओर ढकेला और आबकारी नीति के विरुद्ध आंदोलन लाने वाले महिलाओं पर लाठी बरसाई। आज उन सभी प्रभावित परिवारों की आह रंग लाई और केजरीवाल को जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लिहाजा शराब घोटाले की जांच अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच गई और वह दिन दूर नहीं जब एक दूसरे को मिस करने वाले तीन दोस्त केजरीवाल, मनीष और सत्येंद्र जैन एक ही बैग में मिल बैठेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री को सीबीआई का समय जारी होने के बाद हताशा है और संजय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में उनकी एक झलक दिख रही। उनके हर शब्द अपनी गिरफ्तारी का भी डर दिखाई दे रहा है। उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि शराब घोटाले और अन्य घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल तक कानून का हाथ पहुंचने का आप नेताओं को एहसास होने लगा है। तो ऐसी बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हम